बता दें कि पाली बाजार से पहले का ये दृश्य है जो आप देख पा रहे होंगे। पाली बाजार के ठीक पहले कुछ प्रकार का यहाँ पे विशाल काय में यहाँ पे गटर का नज़ारा देख पाएंगे। इस प्रकार के लोग डाइवर्ट होके जा रहे हैं, इस गड्ढे से बचने के लिए लोग मतलब बाएँ चलने बजाय दाहिने की ओर से चल रहे हैं। और जो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से एक नए नेशनल हाईवे 135 ए के अपडेट में। तो अभी हम देखिए जौनपुर के पॉलिटेक्निक चौराहे पर हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे पॉलिटेक्निक चौराहा सीधे चला जाता है प्रयागराज लखनऊ वाला ये मार्ग है, और सामने चले जाएंगे तो ओलंगंज रोहट्टा, तो इधर और जो रास्ता चला जाता है वो चला जाता है वाजिदपुर तिराहा, और फिर जहाँ अभी हम जा रहे हैं ये रोड चला जाता है साथियों मिर्ज़ापुर भदोही मणियाहू रमदियालगंज नेशनल हाईवे 135 ए। तो आइए दिखाते हैं हम आपको प्रोजेक्ट कार्य, कितना कार्य यहाँ का पूरा हो चुका है और क्या क्या वर्क हो रहा है। इस वीडियो को हम आप लोग अपने चैनल के माध्यम से पूरा दिखाएंगे, तो वीडियो में आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट आज की वीडियो में ज़रूर बनाइएगा। फिलहाल मणियाहू जाने के लिए और भदोही मिर्ज़ापुर जाने के लिए यहाँ से ऑटो बस मिल जाता है, मतलब ऑटो तो जाता है भदोही तक ऑटो जाता है, फिलहाल जो बस है वो मिर्ज़ापुर तक जाती है। प्राइवेट बस को संचालन यहाँ से होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ से देखिए संचालन होता है, तो बस आपको यहीं से मिलेगी मणियाहू मिर्ज़ापुर भदोही जाने के लिए। देख रहे हैं पूरा जमालापुर मणियाहू के लिए बस लगी हुई है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं पूरा नज़ारा आज नेशनल हाईवे 135 ए का पूरा फुल वीडियो। तो हम पहुंच गए हैं धीरे धीरे, देखिए चांदपुर फ्लाई ओवर सिटी स्टेशन रेलवे ब्रिज के ऊपर अभी हम जा रहे हैं, वहां से दिखाएंगे आपको नज़ारा। और बताना चाहेंगे साथियों जो बाएं वाला दाहिने वाला जो रोड है वो काफ़ी कंजेस्टेड है, देख रहे हैं। तो हम चाहेंगे अतिक्रमण हटा के सब इन लोगों को पीछे किया जाए ताकि दोनों तरफ का रास्ता चालू हो, यानी दाहिनी और बाईं ओर का जो रास्ता है वो चालू हो जाए। आने जाने वाले राहगीरों को, आने जाने वाले जो पैसेंजर हैं यात्रियों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और देखिए जौनपुर सिटी स्टेशन, तो बता रहे हैं यहाँ पे देखिए खंभा लग रहा है इंडिकेट करने के लिए, मतलब जो आप देख पा रहे होंगे बोर्ड वोर्ड रास्ता है कितना किलोमीटर कौन सा क्षेत्र है वो पूरा करने के लिए खंभे लगते हैं। तो साथियों इसी अंडरपास के ठीक आगे का हम नज़ारा दिखाएंगे, काफ़ी जर्जर की स्थिति में वह रोड अभी भी है, अभी भी बना नहीं है वह रोड, तो देख पा रहे हैं अभी भी रोड बना नहीं है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं पूरे जर्जर की स्थिति में, पूरे धूल मिट्टी आपको दिख रहे होंगे, जिस प्रकार से अभी हम कुछ दिन पहले का वीडियो बनाए थे अभी भी उसी हालत में है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी इसको गड्ढा मुक्त करने के लिए बोले थे, लेकिन अभी भी कोई कार्रवाई हुआ नहीं, देख रहे हैं इस प्रकार से गड्ढा है। ये नेशनल हाईवे 135 ए की हालत है जो आप देख पा रहे होंगे, कोई सुधार नहीं हुआ है। कोई भी 1% कोई भी अधिकारी कोई भी नेतागण नेशनल हाईवे की टीम यहाँ पे किसी प्रकार की काम नहीं करी है गड्ढा मुक्त करने की, ताकि आने वाले जो त्यौहार हैं छठ पूजा अब आने वाला है, अब आने वाला जो कार्तिक पूर्णिमा का नहान है उसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होंगी। ये देखिए गड्ढे हैं, बड़े बड़े गड्ढे हैं, पूरे मौत को अंजाम दे रही है, यानी एक बड़ी दुर्घटना की अंजाम दे रहा है, और आए दिन दुर्घटना हो भी रही है कोई नई बात नहीं है। तो आप इधर का नज़ारा देख पाएंगे, किस प्रकार के लोग डाइवर्ट होके जा रहे हैं, इस गड्ढे से बचने के लिए लोग मतलब बाएँ चलने बजाय दाहिने की ओर से चल रहे हैं, और जो सामने वाले आ रहे हैं बाएँ से वो कहाँ जाएंगे। अभी हाल ही में आप देख रहे होंगे पचाटियाँ का वीडियो, जो भी काफ़ी दर्दनाक वो भी और रोड है उस पर भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही लोगों को आवागमन में। और नेशनल हाईवे 135 ए के जितने भी तमाम अधिकारी हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो उनको बताना चाहेंगे कि आप लोग जनता के साथ खिलवाड़ ना करें, जनता जनार्दन एक बहुत बड़ी चीज़ है, जनता अगर नहीं रहती तो यह रोड नहीं रहती। तो रोड अगर आप बना रहे हैं तो जनता के लिए बना रहे हैं, न कि अपने आप के लिए बना रहे हैं। तो हम चाहेंगे जल्द जल्द इस रोड को बना के ख़त्म करें, नेशनल हाईवे का जो प्रोजेक्ट कार्य है उसको साल 2024 के दिसंबर लास्ट में ख़त्म करें,
अभी तो हमको देख रहा है काफ़ी ज़्यादा काम देखने मिल रहा है, हमको लग रहा है कि कम से कम 6 महीने और लगेंगे। कार के काम अधूरा पड़ा हुआ है, ना कोई अतिक्रमण इधर हो रहा है ना इधर हो रहा है। तो चलिए साथियों अभी हम आगे दिखाएँ, काफ़ी ज़्यादा धूल हो रहा है इसलिए हम आपको वीडियो थोड़ा आगे कल दिखाएंगे, कंटिन्यू वीडियो बने रहेगा आप लोग। तो DBS इंटर कॉलेज आप इधर देख रहे हैं, उसके ठीक सामने भी काफ़ी जर्जर की हालात में रोड है। तो आखिर कब तक कार्रवाई होगी साथियों, इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और एक प्यारा सा कमेंट आज नेशनल हाईवे 135 से की अपडेट भी जरूर दीजिएगा साथियों, क्योंकि आप सभी के लिए हम लगातार बैक टू बैक नेशनल हाईवे का अपडेट हम दे रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप सभी लोग हमारा सपोर्ट करेंगे और जल्द से जल्द इस नेशनल हाईवे का जो कार्य है वो पूरा हो सके आप लोग के माध्यम से। आप लोग अगर वीडियो शेयर करेंगे तो देख रहे हैं गढ़गड्ढा तब कोई सिस्टम ही नहीं है, देखिए मिट्टी जा रही है लगातार। साथियों यहाँ पे देखिए समतलीकरण किया जा रहा है, करीब अभी हम मदारपुर से आगे निकले हैं, रसायना से पहले आप नज़ारा देख पा रहे होंगे, इधर देखिए और इस तरफ समतलीकरण का कार्य किया गया है, मतलब काफ़ी धीमी गति से बता रहे साथियों किया गया। यहाँ पे देखिए यहाँ से बढ़िया 12 किलोमीटर है, करीब 12 किलोमीटर अभी हम चल के हम आपको दिखाएँगे यूट्यूब के माध्यम से क्या वर्क हो रहा है। देखिए धूल से ग्रसित हैं पूरे राहगीर पूरे आम जनमानस और रोड काफ़ी दिन से नहीं बना है, देख रहे हैं इस प्रकार का धूल मिट्टी पूरा हो रहा है, ज़्यादा पानी के छिड़काव कर रहे हैं। और बताना चाहेंगे अभी भी बड़े वाहनों के लिए प्रवेश वर्जित किया गया है, देख रहे हैं इस प्रकार का वहाँ पे पूरा खंभे लगाए गए हैं आप देख पा रहे होंगे, अभी भी पूरा बैरियर लगा है बड़ा वाला ऊपर ताकि बड़े वाहन जो हैं वो आगे क्यों ना जाते हैं। और अच्छी बात यह है कि साथियों रसायना से जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे यानी दयालगंज की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए दोनों साइड रोड को बना के दुरुस्त कर दिया गया है, आप देख पा रहे हैं काफ़ी अच्छी बात है। और देखिए वो बाईपास लग रहा है जहाँ तक आशा है कोई वहाँ पे हिसाब किताब बनाया जा रहा है जैसा कि आप देख पा रहे हैं वहाँ पे, और इसकी जल्द वीडियो आप सबको दिखाएंगे। तो आप वीडियो को प्यार से सपोर्ट जरूर दीजिएगा, जल्द आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे क्या वहाँ बन रहा है। फिलहाल देखिए हमको लग रहा है रोड बना था तो यहाँ पे हमको लग रहा है ये रोड अभी इधर नहीं बना है, इधर हमको लग रहा है रोड बनाने की प्रक्रिया अभी चालू होगी। तो कुछ दूरी तक नेशनल हाईवे का जो हिस्सा है यानी 4 लेन जिसको बोलते हैं वो बनाया गया है, बीच अभी रमदियालगंज मार्केट से ये पहले का व्यू है जो आप देख पा रहे होंगे, अभी हम रमदियालगंज मार्केट का नज़ारा दिखाएंगे तो कंटिन्यू वीडियो में बने रहिए आप लोग। ये देखिए पुलिया है जो कि बन के तैयार है लेकिन अभी उसमें आवागमन नहीं है किसी प्रकार का, और यहाँ से शुरू हो जाता है रमदियालगंज का मार्केट। बता दें साथियों कि अभी भी यहाँ पर चौड़ीकरण नहीं किया गया है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दाहिनी ओर बाईं ओर अभी किसी प्रकार का चौड़ीकरण नहीं किया गया है। अभी यहाँ पे जो नेशनल हाईवे की टीम है वहाँ पे यहाँ पे चौड़ीकरण अभी नहीं करी है, तो को लग रहा है कि बहुत जल्द यहाँ पे जो चौड़ीकरण का जो कार्य है वो पूरा हो जाएगा। पुल से पहले का हम नज़ारा दिखा रहे हैं, रमदियालगंज का काफ़ी घना मार्केट है, आपको अनेक प्रकार की वस्तु मिठाई आपको मिल जाएंगी, बहुत कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, जैसा कि बता दें शादी विवाह से रिलेटिव आपको यहाँ सामान जाओ, बता दें कि देसी गुड़ जो आपको बोलते हैं कि वो भी आपको मिल जाएगा इस रमदियालगंज मार्केट में। बता दें कि रमदियालगंज सकरा मार्केट होने की वजह से देखिए जाम लग रहे हैं जो आप देख पा रहे होंगे, तो हम चाहेंगे इस बाज़ार को रमदियालगंज मार्केट को जल्द से जल्द चौड़ीकरण करें ताकि जो मार्ग में आने जाने वाले जो राहगीर हैं चाहे वो बड़े साधन से जा रहे हों 4 व्हीलर से जा रहे हों चाहे 2 व्हीलर से जा रहे हों उनको किसी प्रकार की दिक्कतें का सामना ना करना पड़े। तो अभी हम दिखाएंगे आपको पुल रमदियालगंज का पुल दिखाएंगे, तो आप लोग देखिएगा उसका नज़ारा, देखिए रमदियालगंज का सांचा तैयार हो रहा है उनके लिए, आप देखिए 2 दिन के लिए पुल बंद था, देखिए वो सांचा तैयार हो रहा है, इधर तैयार हो रहा है। अभी हम आपको दिखाएंगे यहाँ पे 2 दिन टेस्टिंग भी चली थी यहाँ पे अधिकारियों द्वारा इंजीनियर द्वारा,
क्योंकि काफ़ी देखिए जर्जर की स्थिति में यह पुल, साथियों आप देख पा रहे होंगे अभी हम आपको हिस्सा दिखाएंगे, इसके पहले के वीडियो में भी दिखाए थे आपको हिस्सा कि काफ़ी जर्जर की हालत में यह रमदियालगंज का पुल हो गया है। तो इसी को देखते हुए हमको लग रहा है कि इस पर जाँच चली थी, इस पर पूरी टीम आई थी और वहाँ पर देखिए नई रेलिंग लगाई गई है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये नई रेलिंग लगाई गई है, कुछ हिस्सों के रेलिंग नहीं लगाई गई है। तो जो हमारी वीडियो है हमको लग रहा है कि अधिकारी तक पहुंच रही है और आप सभी की वो ताकत है, आप सभी का वो प्रेम है जो आप सभी लोग इस वीडियो को जन जन तक पहुंचा रहे हैं सोशल साइट्स पे, चाहे वो ट्विटर हो चाहे वो फेसबुक हो। अभी हम आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आपको दिखा ही रहे हैं, तो देख पा रहे हैं इधर भी अभी कोई चोरी करने की आ गया पुल से, जैसे हम आगे बढ़े रमदियालगंज पुल से जैसे हम आगे बढ़े तो नेशनल हाईवे का जो 135 ए का जो नज़ारा है जो आप देख पा रहे हो, इधर अभी चौड़ीकरण हुआ है उधर, लेकिन अभी गिट्टी उट्टी बिछाने का काम नहीं हुआ। तो बैक टू बैक हम आप सभी भाइयों के लिए एक नया नया अपडेट लेके आते रहते हैं, तो आज भी एक नई अपडेट के साथ हम लेके पुनः आ गए हैं और बात कर ले आज जो दिनांक है आज 3 नवंबर और शाम का समय हो चुका है, करीब 4:15 बज चुके हैं शाम की और आप देख पा रहे होंगे सूर्य की ललाट कुछ इस प्रकार का है, बात कर रहे हो आधे घंटे बाद वो अस्त हो जाएंगे। तो बता दें साथियों कि रोड तो चौड़ीकरण हो गया है लेकिन अभी जगह जगह रोड नहीं बना है, आखिर क्यों नहीं बना है हम आपको बता दें कि सामने आप देख पा रहे हैं छोटी सी जो मंदिर है उसी का कारण है, अभी रोड उस तरह नहीं बना है, जल्दी उसका स्थानांतरण करेंगे, जल्दी उसको स्थान देंगे नेशनल हाईवे की टीम। और आगे भी एक मंदिर है उसका भी हम नज़ारा दिखाएंगे, वो भी अभी नेशनल हाईवे की अंदर में आ रहा है, यानी जैसे आप जौनपुर रमदियालगंज से जैसे आप बढ़ेंगे पाली की ओर जब आपको ये मंदिर मिलेगी बजरंगबली की, काफ़ी प्राचीन मंदिर जो कि पीपल की छांव में पूरा यह लिप्त है, यह मंदिर काफ़ी वर्ष पुराना मंदिर है बजरंगबली का, इसको भी स्थानांतरण करेंगे बहुत जल्द। तो नेशनल हाईवे का जो वर्क है साथियों काफ़ी धीमी गति से काम चल रहा है, तो इससे हम तो निराशजनक हैं ही, आप लोग भी निराशजनक हैं क्योंकि आने वाला जो यहाँ के राहगीर हैं उनको दिक्कतों का सामना करना काफ़ी दिन से पड़ रहा है। ये अधीरनगंज बाज़ार है, जैसा कि पीछे भी हम रोड देखें अधीरनगंज बाज़ार है, रोड है तो रोड तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनी है इधर साथ में, तो हम आगे दिखाते हैं आगे क्या है नज़ारा। जैसे कि आप आगे बढ़ें कुछ बहुत ज़्यादा साथियों धूल मिट्टी आपको इस प्रकार के देखने को मिलेगा, अगर जो पद गाड़ी में आएगा साथियों वही सुरक्षित रहेगा, तो जो उसकी शरीर है वो धूल से लिपट जाएगी। तो बताना चाहेंगे साथियों देखिए बाईपास के लिए देखिए जो मिट्टी है वो जा रही है, तो बाईपास ये निकलेगी शिवपुर बाईपास देख रहे हैं, शिवपुर बाईपास के लिए रोड जा रही है, काफ़ी पूरा काम तेज हो गया है बाईपास के लिए। तो आपको शीतलगंज बाज़ार से जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपको ये बाईपास मिलेगा शिवपुर बाईपास जाने के लिए, क्योंकि अभी यहाँ पर काम चल रहा है साथियों, बताना चाहेंगे उसका भी बहुत जल्द अपडेट आप सभी को हम दे देंगे। देख पा रहे हैं उस प्रकार की जर्जर रोड के हालात, मणियाहू से पहले मणियाहू से करीब 3 किलोमीटर पहले का नज़ारा देख पा रहे हो, 3 से 4 किलोमीटर पहले सरकार से आने जाने वाले जो राहगीर हैं यात्री हैं कितने परेशान हो रहे हैं देख रहे हैं, कब तक इस तरह से जनता परेशान रहेगी, खिलवाड़ होता रहेगा जनता के साथ। देखिए यहाँ पे वेरीफाई किया गया है और यहाँ देखिए पुनः रोड बना हुआ है जिससे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर भी अभी नेशनल हाईवे जो टीम है चौड़ीकरण नहीं करी है मणियाहू से पहले, यानी शीतलगंज बाज़ार से जब आप मणियाहू बाईपास वाला रोड पहुँच जाएंगे तो उसके आगे अभी यहाँ पे चौड़ीकरण का कारण नहीं शुरू हुआ है। तो
फिलहाल साथियों हम अंदर से चलते हैं, अंदर से नज़ारा दिखाते हैं, वहीं जाके जो नेशनल हाईवे 135 का जो अपडेट है वहीं पे समाप्त करेंगे। तो अंदर का नज़ारा आज हम दिखाने वाले हैं मणियाओं मार्केट का। तो हम आ गए हैं, देखिए मणियाओं मार्केट यहाँ से साथी शुरू हो गया। ये रामलीला मैदान के पास का ये नज़ारा है। और बता दें कि आज रविवार का दिन भी है तो यहाँ पर चालू है। तो यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं पूरा ये मार्केट का नज़ारा है और काफ़ी घना ये साथियों मार्केट है मणियाओं का। और मणियाओं साथियों पहले की अपेक्षा काफ़ी डेवलप हो चुका है, आप सभी को पता ही होगा मणियाओं कितना ज़्यादा विकसित हो चुका है। जैसे साथियों आगे सकरा मार्केट है मणियाओं, तो जैसे हम आगे बढ़े हैं तो यहाँ पे काफ़ी सकरा नई मस्जिद मिसराना। तो अभी देखिए मंदिर है बजरंग बली की काफ़ी प्राचीन मंदिर, तो आप व्यू देख पा रहे हैं मिसराना मणियाओं, तो मेन रोड है साथियों ये। तो मार्केट के अभी हम अंदर चल रहे हैं और देखिए पूरा जाम भी है मार्केट, यही वजह है साथियों सकरा मार्केट होने की वजह से पूरा जाम हो गया है ये। चाहेंगे कि यहाँ पे भी चौड़ीकरण करें। तो बल्ली साव मिष्ठान भंडार सुप्रसिद्ध मणियाओं की पपड़े की दुकान। और बता दें कि मणियाओं मार्केट पे भी हम चल रहे हैं, मेन रोड मियां फाटक का ये एरिया है मिस्ताना जिसको बोलते हैं। देखिए पूरा यह रोड हमको लग रहा है कि जब दो गाड़ी आपस में आती होंगी आज पूरा ये रोड जाम हो जाता होगा। देख रहे हैं किस प्रकार की रोड जाम है। तो कदियाना है, कदियाना के पास अभी हम हैं। देखिए यहाँ पे जूते चप्पल फैंसी शूज की दुकान है यहाँ पे, और यहाँ पे ध्वजा पताका भी मिल जाएगा जय श्री राम का, पूरा देखिए ध्वजा पताका भी है। बता दें संडे के दिन यहाँ पे मार्केट पूरी चालू है, और आप जौनपुर में जाएंगे तो वहाँ पे जो मार्केट है वो नहीं चालू है। देखिए मेन रोड गोला बाजार का रास्ता है। अब बता दें देखिए गोला मार्केट है, गोला बाजार है न्यू मार्केट। अभी हम चल रहे हैं कोतवाली के पास मणियाओं, तो वहाँ का नज़ारा दिखाते हैं हम आपको। फिलहाल गोला बाजार का ये नज़ारा आप देख पा रहे होंगे, तो आप देख पा रहे होंगे मंदिर, आप देख पा रहे हैं काफ़ी प्राचीन मंदिर है। तो सदर गंज के पास अभी हम हैं, सदरगंज मणियाहू। तो आज हम नेशनल हाईवे का जो अपडेट है मणियाहू मार्केट के अंदर से हम आपको अपडेट दिखा रहे हैं। बाईपास तो दिखा ही रहे थे काफ़ी दिन से, तो आपको हम अंदर की मार्केट का पूरा नज़ारा दिखा रहे हैं और मार्केट का क्या व्यू है क्या सिस्टम है पूरा हम आपको दिखा रहे हैं। तो बता दें कि यहाँ मार्केट पूरी सब्जियों की लगी हुई है, सब्जियों की पूरी भंडार है इस तरफ। बता दें कि ये थाना कोतवाली मणियाहू, यहाँ पे गांधी जी की स्मृति। तो बता दें कि अभी हम सदरगंज चौराहे के पास हैं, आपको नज़ारा दिखा रहे हैं। पूरी यह सकरा रोड है मणियाहू में, हमको लग रहा है काफ़ी अंदर का जो रास्ता है पूरी जाम की स्थिति से परेशान है। चौड़ीकरण यहाँ पे मांग रहा है, यह जो चौड़ीकरण है देखिए यहाँ पे चौड़ीकरण मांग रहा है। फिलहाल भगत सिंह जी की स्मृति चिन्ह यहाँ पे लगी हुई है। बता दें कि ये सदरगंज का ये मार्केट है, आप देख पा रहे हैं काफ़ी सकरा मार्केट है। यही मार्केट जाता है आगे शिवपुर बाईपास, यानी मणियाहू के शिवपुर बाईपास जाके मिल जाता है, और यानी बाईपास जो अब निकला है वो जाके मिल जाता है। आगे रेलवे फाटक है, मणियाहू का रेलवे फाटक है, और उसी के आगे मणियाहू रेलवे फाटक ठीक आगे स्टेशन जाने वाला मार्ग है, जैसा कि आपको पता होगा। ये मंदिर साथियों राम जानकी मंदिर काफ़ी अपने आप में प्राचीन मंदिर है, काफ़ी बड़े स्तर पे बना हुआ है मंदिर। तो आगे रेलवे फाटक साथियों, तो चलिए उम्मीद है कि आप सभी लोग हमारे इस आज की अपडेट नेशनल हाईवे 135 के अपडेट को प्यार दिए होंगे, सपोर्ट दिए होंगे। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम आप सभी को किसी नए वीडियो के साथ, किसी नए अपडेट के साथ। तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अब कहाँ चले गए?